पिंजौर और कालका शहर के मध्य बने रेलवे फाटक पर आरयूबी का काम पुराने सर्वे की बजाय दुकानदारों और व्यापारियों ने 11 करोड़ रुपयों के अप्रूवल मैप के हिसाब से काम करवाने की मांग हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से की है। पिंजौर और कालका शहर के मध्य बने रेलवे फाटक के दोनों ओर दुकानदारों और व्यापारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मांग कर रेलवे फाटक पर आरयूबी का काम 11 करोड़ रुपयों के अप्रूवल मैप के हिसाब से शुरू करवाने की मांग की है। इसी संबंध में यहां पर दुकानदारों और व्यापारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व पार्षद रविंद्र अरोड़ा, पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव आरडी गौतम, अन्य दुकानदार और व्यापारीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि पहले यहां हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिंजौर और कालका शहर के मध्य बने रेलवे फाटक पर बनने वाले आरयूबी का निरीक्षण किया था। वहीं दुकानदारों और व्यापारियों ने 11 करोड़ रुपयों के अप्रूवल वाले मैप के हिसाब से काम शुरू करवाने की मांग की है, क्योंकि इस मैप से दुकानदारों की दुकानों को नुकसान नहीं होगा। हम सभी दुकानदारों की तरफ से हम सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री चौटाला जी को हम यही विनती करते हैं कि आप कृपया करके जो 10 करोड़ के टेंडर वाला जो हमारा मैप अप्रूव हुआ, जिसका हमारे उस टाइम पे विधायक जी ने, जो लतिका शर्मा जी ने जिसका फाउंडेशन लिस्टोन भी रखा था, नारियल फोड़ के काम को स्टार्ट किया था, तो वही किया जाए। हम सरकार के बहुत आभारी होंगे।